Hello and good afternoon to all. Welcome to the Bullpen Academy. Myself Shweta Sharma. पहले तो सबको Happy Teachers Day. अगर हम टीचर्स की बात करें या फिर किसी गुरु की बात करें तो अगर जो हमें कुछ छोटी सी छोटी बातें भी सिखाता है तो वो हमारे टीचर्स हो जाते हैं, वो हमारे गुरु हो जाते हैं. तो ये डेफिनेटली हर कोई इंसान जो हमारी लाइफ में मौजूद है वो हमारे टीचर्स है, जो हमें हर कदम पर, शायद वो चाहे बच्चा भी क्यों ना हो और या फिर कोई बूढ़ा भी क्यों ना हो, तो वो हर कदम पर हमें कुछ ना कुछ सिखाता है कि जिससे हम जिंदगी के कोई भी मोड़ पर कुछ नई बात सीख सकें. तो यस, ऐसे ही मौके पर हमने आपको हमारी एकेडमी के बारे में बताया. एकेडमी के थ्रू हमने आपको करेंसी ट्रेडिंग के बारे में बताया, जहाँ पे हम आपके साथ करेंसी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं उस बारे में बात हुई. ये करेंसी ट्रेडिंग की अलग अलग वेबिनार्स में अलग अलग टॉपिक्स हमने लिए, जैसे कि पहला हमारा टॉपिक था कि करेंसी ट्रेडिंग क्या है, कैसे वर्क करता है, किस समय वर्क करता है और यहाँ पे कौन से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो भी हमने आपको बताए थे. और साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि ये मार्केट में जैसे कहीं ना कहीं हर जगह एक लूप होल होता है, वैसे यहाँ पे भी कई लूप होल्स होते हैं, मगर वो जो लूप होल्स होते हैं शायद कहीं ना कहीं हम उसे क्रिएट करते हैं. अगर जैसे आप लास्ट टू लास्ट वेबिनार देखो तो वहां पे हमने डिस्कस किए थे कई लूप होल्स जो हमारे द्वारा क्रिएट हुए थे. जैसे कि हम अगर कोई इमोशन हमारा कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो लूप होल कौन करता है, क्रिएट हम खुद करते हैं, ना कि आप, ना कि कोई और करता है. सेकेंड आता है कि यहाँ पे ट्रेड प्लान करना होता है, तो ट्रेड प्लान कौन करता है, हम करते हैं. शायद हमारी प्लानिंग में कोई अप या डाउन चीज होगी तभी हमारा ट्रेड कहीं ना कहीं रॉन्ग होगा. हमने आपको प्रॉफिट हासिल करने के कई टेक्निक्स भी बताए कि जैसे कि प्रॉफिट कैसे हासिल कर सकते हैं. अगर हम ये मार्केट की बात करें तो ये मार्केट का मुख्य आधार होती है मार्केट, कि ये अगर करेंसी ट्रेडिंग है तो ये प्लेटफॉर्म में हमारा मुख्य आधार मार्केट होता है और मार्केट में होती बायर्स एंड सेलर की हलचल से यहाँ पे हम ट्रेड लगाते हैं. तो ये मार्केट में एंट्री कैसे लेनी है, तो ये पहले तो आपका जो मोबाइल है या फिर कोई डिवाइस है उसे इंटरनेट से कनेक्ट करोगे, उससे करने के बाद ब्रोकर चूज करोगे. तो ब्रोकर चूज कैसे करते हैं वो भी हमने आपको बताया था कि ब्रोकर चूज कैसे करना होता है, क्योंकि ब्रोकर ही होता है जो हमारी पूरी इनकम को हमें जनरेट करके देते हैं. जहां जो ब्रोकर अच्छा होता है, जो लाइसेंस होता है, हमें वो ब्रोकर चूज करना चाहिए. तो लाइसेंस हम कैसे जान सकते हैं कि ब्रोकर के पास लाइसेंस है या नहीं है, तो ये आप उनसे पूछ सकते हैं. बिकॉज हम अगर हमारा फंड कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमें इतना अधिकार होता है कि हम ब्रोकर को पूछे कि आप कहाँ से रजिस्टर्ड हो, कहाँ का लाइसेंस है, आपके लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं यहाँ पे तो वो कौन है, वो कैसे वर्क करते हैं. साथ ही आपको जो ब्रोकर अच्छी स्प्रेड एंड अच्छी आपको लेवरेज देता है, अच्छा ब्रोकरेज देता है, अच्छा कमीशन देता है, वो ब्रोकर आपके लिए अच्छा होता है. साथ ही हम अगर बात करें तो जो ब्रोकर जो रेगुलर रूटीन में जिनका कंटिन्यू ट्रेडिंग चल रहा है, तो ये जो ब्रोकर है, ये ब्रोकर जो रेगुलर रूटीन में कंटिन्यू चल रहा है, तो ये जो ब्रोकर है वो सही ब्रोकर है, कि जो सही मायने में हमारे $100 को $200 में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. तो ये चीज हो गई ब्रोकर के बारे में. फिर वो जो ब्रोकर है वो आपको उनकी कंपनीज के हिसाब से प्लान बताते हैं, आपको प्लान डिसाइड करना होता है, आपको आपकी बैंक में या फिर उनके अकाउंट में डिपॉजिट करवाना होता है, एंड यस आपकी एंट्री हो जाती है मार्केट में, एंड देन यू स्टार्ट ट्रेडिंग. अब ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाने के बाद क्या, तो ट्रेडिंग कैसे करना है, कब करना है, किस वक्त करना है, ये भी जानना उतना इम्पोर्टेंट है. तो ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे
रखनी होती है, जैसे कि एक ट्रेड लगाना है तो वो ट्रेड लगाने से पहले उसे प्लान करना होता है। ये ऐसा मार्केट है जहां आप एट ए टाइम आपके लॉस को कवर करके प्रॉफिट हासिल डेफिनेटली कर सकते हैं, तब जब आपको उसकी सही टेक्निक पता हो। जब तक आप यहाँ पे छोटी से छोटी बातें नहीं जानोगे, छोटी से छोटी टेक्निक्स नहीं जानोगे, आप शायद आपके लॉस को कवर नहीं कर पाओगे। तो यस, डेफिनेटली हमारा लॉस कवर करने की भी यहाँ पे कई टेक्निक्स होती है जो हमें इम्पोर्टेंट होती है जानना। हम वेबिनार्स की बात करें तो हमने अभी तक आपको बता दिया है कि ट्रेडिंग में कौन सी चीजें ध्यान में रखती है, पर वो जो बातें थी वो शायद कम बातें थी जो हमने आपको बताई थी। हमने पूरा कोर्स डेवलप किया है यहाँ पे रिसर्च करके कि ट्रेडिंग की छोटी छोटी बातें हम कैसे जान सकते हैं। तो ये डेफिनेटली आप जब कोर्स ज्वाइन करोगे तब आप डिटेल में तो जानोगे, मगर जो बुलबेल एकेडमी है वो ट्रेडिंग के साथ साथ आपको एक मौका देती है आपका खुद का एक बिजनेस खड़ा करने की, जहां पे आप एक इंडिविजुअल बनके, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो मार्केट है एक इंडिविजुअल मार्केट है, यहाँ पे ना कोई आपका बॉस है ना आप किसी के क्लाइंट हो, यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो ना किसी के बीच में शेयर होता है, वो सीधा आपके अकाउंट में आपको मिलता है। तो यस, ये मार्केट का सबसे बड़ा फायदा है कि ये मार्केट इंडिविजुअल मार्केट है। यहाँ पे आप डिसाइड करते हो आपके अनुकूल समय पर कि आप कब ट्रेड करना चाहते हैं। आप आपकी एक गोल डिसाइड आपका कर सकते हो कि जहां आप 10 करोड़ डॉलर्स अर्न करना चाहते हैं या फिर 100 डॉलर्स अर्न करना चाहते हैं। आपको कोई प्रेशर करने नहीं आएगा। इफ यू वांट टू अर्न 10 करोड़ डॉलर्स तो दैट चॉइस इज योर्स, तो उस हिसाब से आपको उतनी मेहनत करनी होगी। एंड इफ यू वांट टू अर्न जस्ट 100 डॉलर्स तो यस, आप उस हिसाब से मेहनत करेंगे। तो डेफिनेटली ये मार्केट एक इंडिविजुअल मार्केट है जहां आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं आपको 10 करोड़ डॉलर्स चाहिए या 100 करोड़ डॉलर्स चाहिए। तो यस, आप आपके ही बॉस होते हो। जहां पे ये मार्केट का एक बड़ा बेनिफिट है कि हम यहाँ खुद के लिए समय इन्वेस्ट करते हैं, ना कि औरों के लिए, ना कि किसी और के काम के लिए। ये बिजनेस हम यहाँ पे डेवलप करने के लिए आपको चांस देते हैं, वो रिगार्डिंग दैट देते हैं कि यहाँ आप खुद के लिए टाइम इन्वेस्ट करें। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आप कुछ ट्रेडिंग स्टार्ट किया है तो वो शायद ट्रेडिंग आप आपके लिए कर रहे हो। आपने डिसाइड किया कि आपको 10 करोड़ डॉलर्स हासिल करने हैं, उसके पीछे आप लग गए कि हाँ चलो इसमें कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे हमें ये चीज मिल सकती है। तो उस चीज के लिए आप खुद के लिए टाइम इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे ना किसी ने आपको बोला है कि चलो उठो और सुबह से उठ के ये चीज करो, नहीं। अगर आपको हासिल करनी है अचीवमेंट्स यहाँ, तो आपको खुद हासिल करनी है। तो यस, हमने स्टडी के रिगार्डिंग यहाँ बहुत सारी बातें जान ली, मगर बुलबेल एकेडमी बताती है कि वो हमें स्टडी के साथ साथ बहुत सारे अर्निंग प्लान्स भी देती है। तो ये अर्निंग प्लान्स कैसे आते हैं, क्यों कैसे कर सकते हैं? बोल तो सकते हैं कि अच्छा चलो कि आपको ये अर्निंग प्लान दे दिए, मगर कैसे? आपको एक दिन की इतनी इनकम मिलेगी, मगर कैसे और किसको मिल सकती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, किसे मिल सकती है? जो एडमिशन लेता है उन्हें ही मिल सकती है या किसी और को भी मिल सकती है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आए, इसीलिए हमने आज के वेबिनार का यही टॉपिक रखा है कि बुलबेल एकेडमी क्या कर रही है और ये जो पर्टिकुलर करेंसी ट्रेडिंग मार्केट है, यहाँ पे आप आपका, अगर बुलबेल एकेडमी हमें अश्योरिटी देती है कि यहाँ आप आपका बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, तो ये बिजनेस कैसे जनरेट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी? तो यस, इसीलिए हमने आज हमारे ही एकेडमी के मैनेजर मिसेस भाग्यश्री क्रिश्चियन को इनवाइट किया है, जो कई समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी बातें मालूम है, जो प्रोफेशनली एक टीचर है, और आज वो हमारे साथ पूरा बुलबेल एकेडमी मैनेज कर रहे हैं कि हमें वो हर जगह हेल्प करते हैं। शी इज
जो वो एक लैंग्वेज टीचर है, एक लिटरेचर, उन्होंने बहुत सारी कामयाबी हासिल की है उनके प्रोफेशन में, मगर साथ ही साथ वो हमें भी यहाँ पे गाइड करती है। अगर हम कहीं अटक जाते हैं तो यस ऑलवेज वी आर गो टू द मैम के यस मैम अगर ये हो गया है तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी जो एकेडमी है तो हमारे एकेडमी की जो करता धरता है वो हमारे मैम है। तो आज हम ये डेफिनेटली मैम प्लीज कम ऑन स्टेज, तो हमने हमारी जो करता धरता है उन्हें इनवाइट किया है। एंड यस आप टीचर हो, विश यू वेरी हैप्पी टीचर डे। यू आर अ टीचर एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी श्वेता। सो मैम हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जान लिया कि ये ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये मार्केट कब ओपन होता है, तो बुलबुल एकेडमी हमें ट्रेडिंग के साथ साथ अर्निंग भी देता है। तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेरी है, तो ये अर्निंग कैसे आती है मैम, हम यहाँ पे अर्न कैसे कर सकते हैं? श्वेता मैं बताऊँ, अर्निंग दो टाइप की है बुलबुल एकेडमी में। जो आप ट्रेड कर रहे हो, सेल्फ ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जो ट्रेड करके आप इनकम जनरेट करते हो वो तो है ही है, पर जैसे आपने बताया बहुत अच्छी बात बताई, बी योर ओन बॉस, आप अपना बिजनेस डेवलप करें। सो आप अपनी टीम जब डेवलप करते हो और आपकी टीम आगे अपनी टीम डेवलप करती है, तब जो चीज जनरेट होती है वो शायद आपके प्रॉफिट से कई गुना ज्यादा जनरेट होती है। सो हम ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं बुलबुल एकेडमी में कि आप ना केवल अपना ट्रेडिंग करके इनकम जनरेट करो, पर आप ट्रेडर्स को डेवलप करो, आप अपना एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करो। जैसे आप हो, आप अपने साथ 10 लोगों को लेके चल रहे हो, तो वो 10 लोग अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो आपको देख के ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन अ वे यू आर देयर टीचर, इन अ वे यू आर मेकिंग देम इंडिपेंडेंट, यू आर प्रोवाइडिंग देम द गाइडेंस। आप जो सीख रहे हो आप अपनी टीम को पास ऑन कर रहे हो, उससे आपकी टीम जो ट्रेडिंग कर रही है, यू आर जनरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम देम। सो यस वी आर मेकिंग पीपल इंडिपेंडेंट। यस एक्चुअली मेन जैसे आपने मैम ने ही हमें बताया था कि यहाँ पे जो टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं वो शायद हम हमारे लिए करते हैं, yes, वो true. हम ना किसी के लिए करते हैं ना किसी और के बिजनेस के लिए करते हैं, राइट? That's true, yeah. So let's go to the presentation. Sure, ma'am. मैं एक 5 मिनट का टाइम लेना चाहूंगी प्रेजेंटेशन के लिए। सो ये हमारा अर्निंग प्लान्स है, जैसे श्वेता ने अभी बताया था कि हम कुछ अर्निंग प्लान्स दे रहे हैं, राइट? तो वो अर्निंग प्लान्स क्या है? तो दो टाइप के अर्निंग प्लान्स हम दे रहे हैं, एक है लॉन्ग टर्म अर्निंग प्लान, एक है शॉर्ट टर्म अर्निंग प्लान। लॉन्ग टर्म अर्निंग प्लान क्या होता है? जो आपको रेगुलरली इनकम जनरेट करके देता रहे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए क्या करना होता है? तो यू हैव टू मैनेज योर टीम। और दूसरा होता है वन टाइम अर्निंग प्लान। वो जो वन टाइम अर्निंग प्लान होता है उसमें आपको टीम को सिर्फ इकट्ठा करना है, आपको टीम को गाइडेंस नहीं देना है, आपको सिर्फ टीम को हमारे साथ जोड़ना है एंड यू गेट योर अर्निंग। सो यहाँ पहले हम बात करेंगे वन टाइम अर्निंग प्लान की। सो हमने उसको लेवल में डिवाइड किया है। अगर लेवल वाइज देखना जाए तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर लेवल में कुछ भी डिवाइड कर रहे हो तो दैट इज MLM सिस्टम। नो, दिस इज नॉट MLM सिस्टम, दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेफरल इनकम सिस्टम। So there is a big difference between MLM and referral income. तो ये जो है हमारा referral income plan है। जैसे हमने level wise decide किया है, तो जैसे आप अगर admission लेते हो या आप अगर आते हो, श्वेता for example आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, आप Bullbull Academy में admission ले रही हो, ठीक है? तो आप start कर रहे हो अपना education। हम beginner level की आज बात करते हैं, बाकी के levels की शायद time आज कम होगा तो फिर कभी बात करेंगे। So let's start with beginner level. तो जब हम बिगिनर लेवल में आप मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हो या बुलबुल एकेडमी दिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन कर रहे हो, तो आप क्या सोचोगे कि मैं ट्रेड करके प्रॉफिट तो जो कमा रही हूँ कमा रही हूँ, उसके अलावा क्या, व्हाट एल्स यू आर गिविंग, आप और क्या मुझे हेल्प कर सकते हो? तो उसके लिए हमने ये अर्निंग प्लान्स डिजाइन किए। जैसे आपको वेबसाइट पे जाओगे तो सारी डिटेल्स मिल जाएगी बुलबुल की। तो जो बिगिनर लेवल है उसका फीस है $100। $100 फीस के सामने हम $50 आपको ट्रेडिंग के लिए कैशबैक दे रहे हैं, राइट? सो ये सारी डिटेल शायद हम अगले वेबिनार में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं उसके लिए। बट सो वो जो $50 हम आपको दे रहे हैं, आपको घर से पैसे डाल के ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर रही है। आप जब मुझे फीस दे रहे हो, आप जब अपना टाइम और अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें से हम आपको दे रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए पैसा। कि इनिशियल लेवल पे यू नो नया होता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि अगर लॉस हो गया तो,
अगर मेरा पैसा डूब गया तो yes. so, उसके लिए हमने ये जिम्मेदारी लिया है और हम ये चाहते हैं कि हम आपको पैसा दें, हम आपको दे रहे हैं $50 वापस जिससे आप ट्रेड करो, जिससे आप प्रॉफिट जनरेट करो। एक बार अगर आप प्रॉफिट जनरेट करने लग जाते हो तब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाता है। तो आपको अगर और इन्वेस्ट करना है, ज्यादा अच्छे से ट्रेडिंग करनी है, तो देन यू कैन डू दैट, राइट। सो अभी हम बात करेंगे वन टाइम अर्निंग प्लान की। वन टाइम अर्निंग प्लान क्या है? जैसे श्वेता अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आप मेरे पास आते हो, पर आपके पास आपका सर्कल है, आपका टीम है, कि जो भी करते हो आप साथ में करते हो। तो आप मेरे पास आए हो, आप अपना टीम लेके आए हो, आपको और आपके साथ हमने क्राइटेरिया रखा है कि 10 लोग हैं। तो श्वेता मेरे पास आप आए हो, हम 10 आपके 10 लोग और आए, तो आप 11 लोगों का टीम हो गया। वी स्टार्ट अवर बैच विद बिगिनर लेवल। बिगिनर लेवल का आपको एजुकेशन देते हैं कि करेंसी ट्रेडिंग मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, कब ओपन होता है मार्केट, कब क्लोज होता है, कौन सी करेंसी में ट्रेड करना चाहिए, कौन सी करेंसी वॉलेटाइल है, या ट्रेड करने के बाद प्रॉफिट कैसे जनरेट करना चाहिए। सी, ट्रेड करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर कोई भी ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो उससे प्रॉफिट जनरेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आप अगर आपकी टीम को लेके आ रहे हो मेरे पास, तो 10 लोगों का जब आपका एक ग्रुप बन जाता है तो उसको हमने नाम दिया है लेवल 1। लेवल 1 पे अगर आप 10 लोग लेके आते हो तो वो 10 लोगों से जो भी अर्न कर रहे हैं हम, राइट, उसमें हम आपको शेयर पार्ट करते हैं 10% उसका। सब सपोज बिगिनर लेवल हम फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं तो $100 अगर मैं आपको फीस ले रही हूँ, $50 हर एक बंदे को फीस के बाद मैं कैशबैक दे रही हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। उसके अलावा when your level 1 is achieved, I give you $100 back. मैं आपको $100 वापस दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ? ताकि ये आपका कुछ अर्निंग हो जाए। तो आप अगर खुद से इन्वेस्ट भी करना चाहो तो आप ये $100 जो मैं आपको दे रही हूँ आप अगेन ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट ले सकते हो, राइट। वैसे ही जैसे आप level 2 पे आते हो, मतलब जितनी 10 लोगों को आप लाए हो वो 10 लोग खुद की 10-10 की टीम बना दे, मतलब टोटल हो गए आपके 100 लोग level 2 पे। अगर दोनों लेवल मिला के देखें तो 110 लोग हो गए आपके अंदर में। मैनेज किसको करना है? आपने मैनेज करना है अपने 10 लोग को। फिर जो इंडिविजुअल 10 में से एक एक है वो अपने 10-10 को मैनेज करना है। हर बंदे को, टीम को मैनेज करना है सिर्फ 10 लोगों का, राइट। सो जैसे ही level 2 पे आते हैं तो level 2 पे मैं आपको जो फीस मैं रिसीव कर रही हूँ उस पर 4% दे रही हूँ, विच इज $400। उसी तरीके से level 3, 4 and 5 पे आप 1000 लोग ला रहे हो तो उसका 3% दे रही हूँ, विच इज $3000। level 4 पे 10,000 लोग आ रहे हैं, वही चेंज में कंटिन्यू कर रहे हैं कि एक बंदा आ रहा है वो 10 बंदों को ला रहा है। एक बंदे को 10,000 ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, एक बंदा जो है वो सिर्फ 10 लोगों को ला रहा है, राइट। तो उसी तरीके से level 5 पे जब हम जा रहे हैं तो $100,000 आपका वन टाइम अर्निंग हो गया। सो ये एक आपका एडिशनल इनकम हो गया कि ये पैसा आप या इन्वेस्ट करो या विड्रॉ करके आप लेके बैठ जाओ। ओके मैम, हियर आई हैव अ क्वेश्चन। एज यू से कि यहाँ पे level 5 पे हमारे पास 1,00,000 लोग हो जाएंगे, तो हर लेवल पे हर किसी को बेनिफिट तो मिलेगा ही। हाँ, जैसे अगर श्वेता आपका level 1 कब आएगा? जब आपका 10 लोग आए, पर आपके 10 में से जो 10 ला रहा है यहाँ, तो आपका level 2 हो रहा है पर उसका तो level 1 हो रहा है। ये इफ हिज चूजिंग कि मुझे वन टाइम अर्निंग चाहिए तो हिज अर्निंग इज $100। ओके, मींस एवरीबॉडी ऑन ईच लेवल, हर एक बंदा अपना कमाई कर सकता है। अगर ये 1,00,000 लोग भी और नीचे जा रहे हैं तो ये उनको मिलेगा, उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। ओके एंड मैम, ये जैसे कि आपने बोला कि 10 लोग लेके आने हैं, राइट, तो मुझे ये 10 लोग कैसे लेके आ गए? मतलब मेरे पास अभी एक साथ तो कोई आएगा नहीं, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा 10 लोगों को लाने का? कि 2 हफ्ते में क्या मैं ला सकती हूँ, 3 हफ्ते में ला सकती हूँ? नहीं, हम ये सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट इसलिए करते हैं कि आप एक साथ अपने टीम के साथ स्टार्ट करो। सी, आप कोई भी काम अगर एज ए टीम आप एक साथ ट्रेन होते हो तो यू ऑल नो कि कैसे करना है। आप अपने टीम से काम करवाने वाले हो, आपका टीम ट्रेडिंग करने वाला है, राइट, तो आपको पता होता है कि क्या प्लस माइनस पॉइंट्स है आपकी टीम या, है। तो आपको किसको पुश करना है, किसको होल्ड करना है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली सी ट्रेडिंग स्टार्ट करेगा ये, अगर ये तो चलो वन टाइम अर्निंग है, पर जब लॉन्ग टर्म के लिए हम बात करते हैं कि टीम को लेके चलने के लिए, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप हर एक आपके टीम मेंबर की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पता करें। बहुत जरूरी है ये। अगर आपको वीकनेस स्ट्रेंथ नहीं पता है तो इमोशन में आके हमारी जो टीम है वो गलत ट्रेड्स कर देते हैं,
गलत ट्रेड्स करने के बाद लॉस बुक कर लेते हैं, लॉस बुक करने के बाद फिर वो ह्यूमन मेंटेलिटी होता है कि वो फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है. सो इट्स बेटर दैट यू कंट्रोल योर टीम. आप अपनी टीम को साथ लेके चलो, आप अपनी टीम को गाइड करो. हम बैकएंड में है गाइड करने के लिए, पर शायद अगर आपका टीम है तो वो हमसे ज्यादा आप पे ट्रस्ट करेगा, हमसे ज्यादा ये सोचेगा कि मैं, अगर श्वेता का टीम है तो वो सोचेगा कि मैं श्वेता से ही बात करूंगा. सो इसलिए हम ये आग्रह रखते हैं कि अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हो तो आप एक साथ टीम को लेके आओ. सो एक साथ ट्रेन हो रहे हो, एक साथ आपको पता चल रहा है, आपको पता है किसके पीछे मेहनत करनी है, किसके पीछे नहीं करनी, राइट? सो लेट्स मूव टू लॉन्ग टर्म अर्निंग. लॉन्ग टर्म अर्निंग प्लान में भी सेम ही सिस्टम है. श्वेता आप आ रहे हो, आप अपनी टीम को ला रहे हो, वो टीम अपनी टीम बना रही है, तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला है, राइट? सो लॉन्ग टर्म अर्निंग प्लान क्या है? लॉन्ग टर्म अर्निंग प्लान ये है कि आप ट्रेड कर रहे हो आपकी टीम के साथ, तो जो भी ट्रेड्स आप लगा रहे हो उस पर आप तो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, वो आपका एक पर्सनल इनकम हो गया. और जो टीम ट्रेड कर रहा है उससे जो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो वो आपका ब्रोकरेज हो गया, या कमीशन बोल रहे हो उसको. तो ब्रोकरेज या कमीशन क्या है? ब्रोकरेज या कमीशन ये है कि जो आपकी टीम ट्रेड करती है तो उसमें जो स्प्रेड होता है, जो स्प्रेड में से कुछ परसेंटेज हम टीम में बांटते हैं, सो दैट हमारी टीम और एफिशिएंटली काम करे. कंपनी जो है, ब्रोकर जो है, वो लेके नहीं बैठ जाता है कि पूरा कमीशन जनरेट होता है. आप ट्रेड करो, अगर आपको पता होगा तो ट्रेड करो तो प्रॉफिट करो या लॉस करो, कमीशन ब्रोकरेज का जनरेट हो जाता है. तो ब्रोकर जो है वो अपना कमीशन पार्ट कर रहा है हमारी टीम के साथ. जो मेरे जो जिस ब्रोकर्स के साथ मेरा टाइप है उनके साथ हमने यही तरीके से टाइप किया है कि जो ब्रोकर ब्रोकरेज अर्न कर रहे हैं हमारे ब्रोकर, वो हमारी टीम को वापस करें, राइट? तो जैसे आप अगर 10 लोग लाते हो, 10 क्लाइंट आपका ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तो यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल 0.25 का लॉट, अगर लॉट साइज से हम ट्रेड करते हैं तो लेवल वन पे एक दिन पे अगर 0.25 का 10 लोग ट्रेड लगा रहे हैं तो आपका 2.5 का लॉट होता है. 2.5 के लॉट से अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो कंपनी जो है, हमारा ब्रोकर जो है, हमको $8 की ब्रोकरेज देता है. वो $8 इंटू 2.5 अगर आप करते हो तो $20 आप एक दिन का ब्रोकरेज जनरेट कर रहे हो, राइट? सिमिलरली जैसे मैंने बताया था लेवल टू पे आपका 100 लोगों का टीम हो रहा है, टोटल 110 पीपल. तो लेवल टू पे जब आप आते हो तो उसी तरीके से हमारा ब्रोकरेज जो हमें ब्रोकर जो पार्ट कर रहा है हमें कमीशन, वो कमीशन हो जाता है आपका पर डे $100. $100 कैसे? तो 0.25 का लॉट जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ये बेसिक लॉट है. जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि ये लॉट करना इज वेरी इजी. ये मतलब मैं यही बोल रही हूँ, स्टैंडर्ड लॉट करो. स्टैंडर्ड लॉट करोगे तो शायद ये फिगर्स और अप जाएगी. सो आप एक मिनिमम छोटा लॉट साइज है कि जो कोई भी कर सकता है. आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो, दिन में 2-3 घंटे ट्रेडिंग के लिए निकाल रहे हो तो ये कर सकते हो 0.25. तो 0.25 के लॉट से जब आपके 100 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 25 लॉट का काम कर रहे हो. उसपे हमारा जो ब्रोकर है हमें $4 का कमीशन दे रहा है, तब जाके हम पहुंचते हैं $100 पे. सिमिलरली जैसे लेवल 3, 4 और 5 वैसे ही आप जनरेट कर रहे हो, पर इसमें एक बेनिफिट है. आप जब लेवल 3 अचीव कर रहे हो तो 1110 क्लाइंट है, तो आप जो ब्रोकरेज जनरेट कर रहे हो $1,120 पर डे जनरेट कर रहे हो. यस, यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि जो जितना टीम बढ़ता जाएगा आप अपना अर्न करते जाएंगे. वो चीज हमें वन टाइम अर्निंग में नहीं है, राइट मैम? वो लेके बैठ जाना है आपको, वो एक बार मिल गया खत्म. फिर आपका लेवल वन तो वापस आने वाला नहीं है. लेवल वन जितना टाइम ट्रेड करेगा उतना टाइम आप बैठ के ले सकते हो ब्रोकरेज. यस. सो मैम अगर हम मंथ बेस में बात करें कि मुझे एक मंथ में मेरी खुद की इनकम जनरेट हो जानी चाहिए, तो वो जो मंथ की मेरी खुद की इनकम में कैसे प्लान कर सकती हूँ, या फिर किस हिसाब से मुझे वो इनकम यहाँ से मिल सकती है? एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. हम सिर्फ 10 लोगों की बात करते हैं, अभी एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ. 10 लोग लेते हैं, आपके 10 लोग ट्रेड कर रहे हैं, $20 पर डे इनकम जनरेट कर रहे हो आप. सैटरडे संडे एज यू नो मार्केट बंद होता है, बाकी 2-4 दिन ऐसे ही छोड़ दो नहीं किया किसी ने ट्रेड. 15 दिन अगर आप ट्रेड करते हो तो $300 की ब्रोकरेज सिर्फ जनरेट करते हो आप.
टीम के ट्रेडिंग पे, आप खुद ट्रेड करके प्रॉफिट कमा रहे हो वो मैं नहीं गिन रही। $300 फॉर जस्ट 15 डेज, और वो भी हमें ये जो दस लोग वो जनरेट करके दे रहे हैं, वो अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं वो अलग है, वो अपनी टीम को बना रहे हैं वो भी दस दस ला रहे हैं, वो ब्रोकरेज दे रहे हैं वो अलग है, राइट। सो आप जनरेट कर रहे हो $300 अकॉर्डिंग टू $20, अगर पहले लाइन आप पहला लेवल कंप्लीट कर रहे हो तो $300 का अगर मैं आज की डेट में INR देखूं तो 22,000 के करीब कुछ हो रहा है, 22,000 के करीब कुछ $300 का आपको INR के करीब आपकी इनकम हो जाएगी। 22,000 शायद किसी की स्टार्टिंग सैलरी नहीं होती डेफिनेटली आजकल के जमाने में, और वैसे भी ये कोविड की वजह से जो लॉकडाउन आ गया है तो उस वजह से एक्चुअली कई लोग हैं जो शायद जॉब से निकल गए हैं, कई लोग बिजनेस में बहुत लॉस कर चुके हैं। तो यस डेफिनेटली आपने जैसे बताया कि दिस इज द इन्वेस्टिंग टाइम इन आर सेल्फ, तो ये एक्चुअली यहाँ पे प्रूव होता है कि ये हमारे अंदर इन्वेस्ट करके हमें इतना इनकम, जैसे आप पिछले आई थिंक 5-6 वेबिनार से बोल रहे हो आत्मनिर्भरता पे हम बात कर रहे हैं, तो ये आत्मनिर्भरता पे एक और चीज मुझे याद है कि ऐसे जरूरी नहीं है कि ओनली मेन कैन डू दैट, या जो सिर्फ मेन है वो कर रहे हैं, या मैं तो हाउसवाइफ हूं मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो अभी कॉलेज में पढ़ रही हूँ मैं कैसे कर सकती हूँ, बट दिस इज फॉर एवरीबडी, ये कोई भी कर सकता है, राइट। सो हम अभी बुलबेल एकेडमी में हमारा जो कंसेप्ट है, जैसे आप जानती हो कि हम वुमन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक वुमन, अगर हमारे आसपास भी है, हमारी मदर्स है, ग्रैंड मदर्स है, डॉटर्स है, तो दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है आपको, क्या है? हेल्दी होना। यस, यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आप पूरी दुनिया में हर तरह से इंडिपेंडेंट हो डज नॉट मैटर, जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। यस एक्चुअली ये ट्रू है, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। मैं आऊंगी एक और बार आपके पास तो हम वो डिस्कस करेंगे ये कैसे डेवलप कर रहे हैं हम वुमन एम्पावरमेंट का हमारा प्रोग्राम। एंड मैम जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है, तो यहाँ एडमिशन लेने के लिए इज दिस इम्पोर्टेंट कि मेरे पास बैचलर्स का डिग्री हो, या मैंने 12th पास किया हो, 10th पास किया हो, ऐसा कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है तो ही मैं यहाँ पे आ सकती हूँ? नहीं, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये करेंसी ट्रेडिंग का। आपको सिर्फ बेसिक पढ़ना लिखना आता है, आप कोर्स पढ़ सकते हो या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपका MBA फाइनेंस का डिग्री है तब जाके आप ट्रेड करो, नो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपके पास क्या डिग्री है, आप क्या जानते हो, आप कितनी इंग्लिश बोल सकते हो, कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, नो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। इम्पोर्टेंट ये है कि आप बेसिक पढ़ सकते हो, बेसिक मैथ कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे आपको पता है ये सारा मैथ कैलकुलेशन पे ही बिजनेस है, पूरा मतलब ये कैलकुलेशन ही दिख रहा है। एग्जैक्टली, आप बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हो तो आप आराम से करेंसी ट्रेडिंग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो ये दैट इज एक्चुअली अ बिग पॉइंट की, क्योंकि कभी कभार हो जाता है एकेडमी है, एजुकेशन है, तो एक ख्याल आ जाता है कि नहीं मेरे पास तो आता नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आता। इज दिस इंग्लिश इम्पोर्टेंट हो भैया? नो, इंग्लिश इज नॉट इम्पोर्टेंट। हमारा जो वे ऑफ कोचिंग है हम 3 लैंग्वेजेस में कर रहे हैं, गुजरात में बैठे हैं तो रीजनल लैंग्वेज गुजराती इज मस्ट, हिंदी है क्योंकि जेनेरिक हमारा नेशनल लैंग्वेज है, और जिसको चाहिए कि हम इंग्लिश में कोचिंग तो वी आर रेडी टू डू दैट आल्सो। ओके, तो इट इज अ वेरी इजी वे टू कम्युनिकेट। इवन आई एम गोइंग टू गिव यू बुक्स इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके, सो अगर आपको हिंदी आती है तो आप बुक्स रेफर कर सकते हो, और इंग्लिश आते तो इंग्लिश एंड गुजराती आते तो गुजराती। तो ये दिस इज ऑल्सो बेनिफिट ऑफ दैट कि हाँ एकेडमी में आए, क्योंकि फिर एकेडमी में ऐसा ख्याल आ जाता है कि यार लेक्चर इंग्लिश में हुए तो मैं क्या करूँगा। श्वेता, जैसे आप तो जानते हो पर शायद हमारे व्यूअर्स नहीं जानते कि मेरे पास जो अभी एग्जिस्टिंग क्राउड है, जो एग्जिस्टिंग मेरा स्टूडेंट बेस है, यू विल नॉट बिलीव आधे लोग 65 एंड अबव है, यू नो दैट राइट? सो आधे लोग 65 एंड अबव है, कुछ मतलब उनका वो ज्वाइन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू अर्न, वो घर बैठे नहीं रहना चाहते या किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते फाइनेंशियली, जैसे बच्चे हैं तो बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। कुछ लोग हैं जो कॉलेज के अब 12th कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सेकेंड ईयर के कॉलेज में है। सो आजकल ये बहुत अच्छे से देखने के लिए मिल रहा है कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, या पेरेंट्स जो पॉकेट मनी दे रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम एक कुछ एक्स्ट्रा सीखें, सो दैट हम पेरेंट्स
पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना रहे, आगे पढ़ाई करनी है या कोई बड़ा कोर्स पसंद करना है तो वो खुद की कमाई से करे। सो ये बहुत अच्छी बात है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एज बैरियर नहीं है। जैसे मेरे पास हर तरह का क्राउड है, वी हैव वुमेन, वी हैव मैन, सी मी एंड श्वेता वी आर वर्किंग इन दिस करेंसी ट्रेडिंग बिजनेस। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको एमबीए फाइनेंस होना पड़ेगा या आपका सर्टन एज होना पड़ेगा या आपका सर्टन बैकग्राउंड होना पड़ेगा। नो, एज लॉन्ग एज यू आर रेडी टू लर्न यू आर रेडी टू अर्न, लर्न करेंगे और अर्न करेंगे। बट मैम यहाँ पे ये जो मार्केट है, यहाँ पे जनरली प्रैक्टिकली सब चलता है, ट्रेड लगाते हैं, प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं। व्हाई द एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट ओवर हियर, दैट इज द क्वेश्चन। बट मैम कैन आई क्लोज दिस इफ वी आर नॉट रेडी? या यस, थैंक यू सो मच। यस, सो एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आज जैसे आपको पता है करेंसी ट्रेडिंग 24/5 मार्केट है हमारा। यस, मार्केट हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से देखो तो यूएस मार्केट ओपन होगा रात को 8 बजे, टोक्यो मार्केट ओपन होगा रात को 3 बजे, ठीक है। तो जैसे मार्केट 8 बजे ओपन होता है तो 8 बजे तुरंत ट्रेड तो नहीं लगा सकते आप, राइट? ये जब आप बिगिनर लेवल में आओगे, सीखोगे, तब पता चलेगा मार्केट कहाँ जा रहा है, आज उस कंट्री का क्या न्यूज है, वहां पे क्या कोई बिल पास हो रहा है या कुछ कोई बड़ा इकोनॉमी में कुछ फ्लक्चुएशन है। जैसे अभी बेरूत में ब्लास्ट हुआ था, जैसे अभी कोविड चल रहा है उसकी वजह से हर एक करेंसी पे इफेक्ट उसका दिख रहा है। सो मार्केट स्टार्ट होने के बाद 1-2 घंटा आपको मार्केट को एनालाइज करना होता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है और कहाँ जाके रुक सकता है, आप ट्रेड उसके बाद ले रहे हो, राइट? सो उसके लिए एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होगा, आप ट्रेड तो ले लिया आपने, आपको पता नहीं कि आपका ट्रेड कब क्लोज करना है, मार्केट में मूवमेंट आने वाला है, तो बस इतना लॉस की भी बात करें तो इतना लॉस हो गया और अब मुझे और लॉस नहीं बेयर कर सकता हूं मैं या नहीं कर सकती हूँ, तो फिर क्या होगा, हम उसको स्टॉप कर देंगे, क्लोज कर देंगे ट्रेड कि चलो ठीक है मार्केट आज मेरे फेवर में नहीं है। तो पर अगर आपको वो ट्रेड को खड़ा या खड़ा रखोगे तो आपका जो पूरा बैलेंस है वो ट्रेड लेके जाएगा। तो एजुकेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको हर एक चीज को एनालाइज करके देख के सीख के समझ के फिर ट्रेड करना है, इसलिए कि आप प्रॉफिट जनरेट करो। यस, दैट इज अ ट्रू थिंग मैम आपने बोला कि कभी कभार क्या होता है कि हमें पता नहीं होती है कि ट्रेड कब लगाना है, मार्केट में कब एंट्री लेनी है, रैंडमली हम एंट्री ले लेते हैं, रैंडमली अंदाजे पे ट्रेड लगा देते हैं और फिर कभी कभार बहुत ज्यादा ही हम लॉस में चले जाते हैं। इसीलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है कोई भी चीज का। ओके, तो यस डेफिनेटली वीवर्स, एजुकेशन इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी फील्ड, वैसे ही यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है। एंड जैसे कि मैम ने भी बात की कि वुमेन एम्पावरमेंट हम डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूरा एक अलग ही ग्रुप खड़ा कर रहे हैं जहाँ हम वुमेन्स को अप्रोच कर रहे हैं कि जिन्हें अर्न करना है मगर एजुकेशन नहीं है, तो वी आर देयर फॉर देम कि हम आपको आएंगे बताने के कैसे करना है, क्या करना है। जैसे कई किटीज चलती है, राइट मैम? यस, किटीज के हिसाब से भी लोग मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं। हम शायद फेसबुक, इंस्टा, चैट्स में बहुत टाइम डाल देते हैं मगर वो हमें कुछ नहीं देता है, राइट मैम? कुछ नहीं, राइट? और हम ये करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है मैम? मैंने बताया ना लेवल 10 तक का ब्रोकरेज, सी का 9,000 रुपए कमा सकते, उससे ज्यादा क्या चाहिए? दिन का 9,000 रुपए इज नॉट जस्ट इन 26 डेज। अगर सी जैसे हम गाइड कर रहे हैं वैसे अगर आप काम करते हो तो ऑन 26 डे यू आर अर्निंग 9,000 रुपीज अ डे, और डे पर डे बोल रहे हैं। किस हिसाब से चलता है ये? सो लेट्स डिस्कस दैट। यस, सो जैसे आपने श्वेता, हम आपका ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो मैं वही कंटिन्यू करना चाहूंगी। सो जैसे आप डे वन पे एजुकेशन स्टार्ट करते हो अपनी टीम के साथ, राइट? तो टीम के साथ एजुकेशन स्टार्ट करते हो तो 5 दिन आपको बेसिक आपका जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो क्लियर करवाया जाता है, या ग्राफ्स कैसे स्टडी करने हैं, या क्या होता है फॉरेक्स मार्केट, क्या नहीं, वो सारा आपको दिया जाता है। तो 5 दिन आपका वो एजुकेशन खत्म होने के बाद डे 6 पे आप डेमो में ट्रेड करना शुरू करते हो। आप मुझे पूछोगे डेमो क्यों, तो उससे पहले मैं बता देती हूँ भाई, डेमो क्यों लाइव यहाँ पे आप ऑलरेडी मुझे $50 दे रहे हो कैशबैक, तो क्यों नहीं लाइव में? क्योंकि डेमो में करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारे जो ट्यूटर्स हैं, हमारे जो कोचेस हैं, वो आपको चेक करेंगे आप कैसे ट्रेड्स कर रहे हो, आप इमोशनल होके कि जहाँ
आपको पता है कि मार्केट का मार्केट चेंज होने वाला है, तो अगर $2 फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट आपका आ गया है तो उसको क्लोज करके आपको बाहर निकल रहे हो या नहीं, या आप वेट करके वो प्रॉफिट को लॉस में डाल रहे हो, राइट? सो ये सारा चीजें हमारे जो ट्रेनर्स है, कोचेस है, वो आपको चेक करते हैं, वो कॉन्स्टेंट आपके साथ टच में रहेंगे. तो जैसे ही डे 6 पे आओगे तो आप अनदर 1 week's टाइम तुम लोगे डेमो में ट्रेनिंग के लिए. डेमो में कंसिस्टेंटली अगर हम अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं आप और आपकी टीम, तो डे 15 पे आप ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे विथ योर टीम लाइव. लाइव भी कौन सा? जो मैंने आपको बताया कि जो मैंने आपको कैशबैक दिया है उस पे $50. आपको घर से कुछ नहीं डालना है. ओके. जो कैशबैक मैं दे रही हूँ उसी पे आप ट्रेड स्टार्ट करो. जैसे ही आपने 15वें दिन पे ट्रेड स्टार्ट किया ऑन 16th डे, राइट, आप 10 लोगों की टीम के साथ अगर काम कर रहे हो तो $20 अ डे आप ब्रोकरेज अर्न कर रहे हो एक दिन की. 15वें दिन से स्टार्ट किया, 16वें दिन पे $20 आपकी अर्निंग हो गई. आपने मुझे फीस कितना दिया था बिगिनर पे? $100. कैशबैक कितना लिया था? $50. 16th डे पे कितना मैं आपको और दे रही हूँ? $20. तो आपने मुझे दिया कितना? $30. वो $30 सेवेंटींथ डे पे मैं आपको कवर करके दे दूंगी. सो 16th डे पे जैसे हम बात कर रहे थे 10 लोगों की टीम के साथ आप काम कर रहे हो, सी ये बीच में जो दिन है, जो गैप है, वहां आपकी टीम काम करेगी, आपकी टीम भी अपनी टीम बनाएगी, राइट? सो हर एक बंदा 10-10 लोग लाएगा. बाय द टाइम आप 21st डे पे हो तो आपका टीम हो जाएगा 110 का, 10 आपकी टीम और आपकी टीम की भी टीम. सो 21st डे पे जब आ रहे हो आप, तो आप दिन का 110 लोगों के साथ $120 का ब्रोकरेज जनरेट कर रहे हो. $120 is somewhere around 9,000 rupees. And that is per day. Yeah, that is per day. That's what I said. Oh, nice. So, आप एक दिन का 9,000 रुपए कमा रहे हैं पर अगर आप ये पैटर्न में काम कर रहे हो तब. अच्छा, तो इट मीन्स जैसे मैं मेरा पहला ही क्वेश्चन था आपको कि क्या मैं टुकड़ों में ला सकती हूँ 10? नहीं, टुकड़ों में ला सकते हो आप, पर फिर वो आपका अर्निंग डिले करेगा. मैं जो आपको कमिट कर रही हूँ कि 21वें दिन पे आपको 9,000 रुपए दे रही हूँ, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी है. आपको सिर्फ इकट्ठा करना है, उनको समझाना, उनको ट्रेन करना है, हार जाओ. अगर आप अपने खुद के बिजनेस के लिए लोगों को इकट्ठा भी नहीं कर रहे हो तो फिर आप क्या विजन लेके चल रहे हो? Yes, that is true, ma'am. Wow, आज हमने बहुत सारी बातें जानी. जैसे कि बुलबुल बता रहा है कि बुलबुल एकेडमी आपको बता रही है कि यहाँ पे हम अर्निंग लर्निंग के साथ कर सकते हैं, तो मैम ने बहुत अच्छा हमारा विजन क्लियर किया. और आई कैन से कि यहाँ हम मिनिमम टाइम इन्वेस्ट करके अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं. इट्स अप टू यू, आप कितना टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो. इट्स लाइक दैट ओनली. जैसे मैंने मेरा स्टार्ट किया था वेबिनार कि आपको $10 crore चाहिए या $100 चाहिए अ डे, राइट? सो यस, दिस इज द थीम कि बुलबुल एकेडमी कैसे काम कर रही है. यहाँ पे टीचिंग के साथ साथ एक अर्निंग भी कैसे इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ क्यों रहे हैं? अर्न करने के लिए. शायद हम मैम अगर बात करें कि रेगुलर एजुकेशन की, हम 12th पास करते हैं, बैचलर्स में आते हैं, तो वहां पे हमें अर्निंग नहीं मिलता है. मगर यहाँ पे अगर हम स्टडी करते हो, लर्न करते हो, तो डेफिनेटली मैम हमें अर्निंग देती है. अगर आप करना चाहते हो, दैट यू हैव टू डिसाइड. सी, आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको अर्निंग स्टार्ट करनी है या नहीं. आपको अगर ये दिमाग में आप बिठा रहे हो कि नहीं, मुझे 21वें दिन पे $120 दिन का कमाना है, 9,000 कमाना है, तो आपको डे 1 पे मेहनत करना स्टार्ट करना पड़ेगा. पढ़ाई तो कर रहे हो, आपको सिर्फ अप्रोच करना है अपने फ्रेंड्स को. That's it. और कुछ नहीं करना है आपको. हाँ, अभी हम जैसे अगर बात करें इकट्ठा होते हैं, एक एग्जांपल देती हूँ. आप अगर कोई नया रेस्टोरेंट डिस्कवर कर रहे हो, कोई नए रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो आप ये चाहोगे ना कि मैं मेरे 10 फ्रेंड्स हैं मेरे, तो मैं उनके साथ उस रेस्टोरेंट में जाऊँ, मुझे वहाँ का खाना अच्छा लगा है, तो जाके मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊँ या उनको लेकर जाऊँ वहाँ पे. दिस इज द सेम थिंग. वहाँ आप पैसा डालने के लिए जा रहे हो, यहाँ पैसा कमाने के लिए जा रहे हो. Yeah, that is the true thing कि यहाँ पे हम पैसा कमा रहे हैं. Yes, thank you so much, ma'am. Thank you. हमें इतना, हमारी बहुत सारी queries थी, viewers की भी queries थी, वो लोग भी questions पूछ रहे थे कि यहाँ पे आप earning तो दिखा रहे हो, मगर how it is possible? So yes, definitely it is possible. You can earn more if you learn it proper way and हमारे guidance के हिसाब से चलेंगे. तो यस, डेफिनेटली एक दिन का, जैसे मैम ने बताया हमें कि आप एक दिन के 9,000 INR रुपीज में अर्न कर सकते हैं,
तो आप सोच सकते हैं कि एक महीने का कितना अर्न कर सकते हैं। शायद इतना कोई सैलरी भी नहीं देता है, सीईओ का सैलरी नहीं होगा शायद, इतना तो उनका भी सैलरी शायद नहीं होगा। सो यस डेफिनेटली, इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट है, उसे आप उस वेबसाइट पे जाइए www.bullpenacademy.in। वहां पे हमने ऑलरेडी कोर्स आउटलाइंस रखी हुई है, साथ ही साथ जो मैम ने हमें अर्निंग प्लान्स अभी बताए वो अर्निंग प्लान्स भी वहां है। शायद आपकी अब अर्निंग प्लान्स के लिए जो क्वेरीज होगी वो रिजॉल्व हो गई होगी, बिकॉज मैम ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि अर्निंग तुम यहाँ कैसे कर सकते हो और खुद का एक बड़ा एम्पावर या फिर खुद का बड़ा एक बिजनेस एंड खुद एक बॉस कैसे बन सकते हो, ये चीज यहाँ पे आपको मैम ने बताई। यस व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन टुडेज सेशन। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो वेबसाइट पे हमने एड्रेस भी दिया हुआ है, साथ ही साथ हमने कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है जहाँ आप कभी भी फोन कर सकते हो एंड फोन करके आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हो। एंड अगर आपको हमें मिलने भी आना है, मगर एक रिक्वेस्ट है, एक प्रायर अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिलने आओगे तो हम आपको अच्छे से टाइम दे पाएंगे, बिकॉज हमारे पास कंटिन्यू क्लासेस चलते हैं, हमारे पास कंटिन्यू इंक्वायरीज आती है, तो शायद कहीं टाइम मिसमैच ना हो जाए, इसीलिए ये रिक्वेस्ट है कि आप अपॉइंटमेंट लीजिए एंड फिर हमें मिलने आइए। एंड थैंक यू सो मच।